हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्मन क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रेपोजिशंस। क्लास टेंथ का जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशंस। और वैसे भी जो स्टूडेंट्स जर्मन सीख रहे हैं A1, A2 लेवल, B1 लेवल, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशंस। कैसे यूज़ करना है प्रेपोजिशंस का? कुछ प्रेपोजिशंस फिक्स होती हैं, मीन्स इन एवरी सिचुएशन दे आर फिक्स्ड। आपको सिर्फ उनको लर्न करना है कि कौन से नाउन के साथ वो फिक्स होती है, कौन से वर्ब के साथ भी फिक्स होती है। बट अभी हम नाउन के साथ फिक्स देखेंगे, कौन से केसेस हैं जिनमें प्रेपोजिशन फिक्स यूज़ होती हैं और प्रेपोजिशन को एक्चुअली कैसे यूज़ करना है। थोड़ा सा आपको स्मार्टली इनको यूज़ करना है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर नहीं समझेंगे सही से तो कई बार बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है टॉपिक। बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो थोड़ा स्मार्टली इसको करेंगे। तो प्रेपोजिशंस मैंने लिखी हैं कुछ, आउफ, उम, आन, इन, यूबर, डुर्श, सु। अब इसको कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में, जैसे अभी देखते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखूँगा, आपको देखना है कैसे उनको अप्लाई करना है। लाइक जैसे आप बोलते हो इश गेयर, इश गेयर। अब यहाँ पे ब्लैंक है। जिमनाजियम, जिमनाजियम मीन्स सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। जिम नहीं होता, ध्यान रखना, जिमनाजियम इज़ ए स्कूल, तो ये भी कन्फ्यूज़न होती है। तो जिमनाजियम में जैसे, तो इसके साथ ऑलवेज आउफ आएगा, ठीक है। आउफ या आउफ्स, आउफ मतलब आउफ प्लस दास, तो इश गेयर आउफ जिमनाजियम, ठीक है। इन नहीं आएगा, नाक नहीं, सू नहीं, सब गलत है। इश गे ऑफ जिमनाजियम, इस तरह से इसको यूज़ करना है, ठीक है। इश गे ऑफ जिमनाजियम। और आउफ को और क्या कर सकते हो आप, इश गे ऑफ डी शूले भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं इन, ऑफ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऑफ डी शूले। और क्या लिख सकते हैं, सुर, सुर शूले। तो ये सब फिक्स्ड है, तो आपको ऑप्शन देखनी है कौन सी ऑप्शन है। तो इश गे इन डी शूले भी होता है, ऑफ डी शूले और सुर शूलर, ठीक है। ये हम आउफ को यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आउफ का सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं आप, तो इसको इस तरह से यूज़ करना। आप देखिए किस तरह से स्मार्टली हम लोग इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे एट, आप जैसे लिखते हैं कि आई एम सिटिंग अराउंड द टेबल, तो अराउंड भी होता है इसका मतलब। इज इट से डेंटिश, ठीक है, डेंटिश, तो आकुसेटिव है हमेशा, तो डेंटिश। आई एम सिटिंग अराउंड द टेबल। और क्या लिखोगे, असिस्ट नॉइन ओवर, इसमें तो यूज़ नहीं हो सकता। बट अगर आप लिखते हो डेर फिल्म, फिल्म स्टार्ट एट नॉइन ओवर, फिल्म 9 बजे स्टार्ट होगी, द फिल्म बेगिंड, तो यहाँ पे आएगा एट 9 o'clock। तो यहाँ भी उनका यूज़ है टाइम के लिए, फिल्म स्टार्ट एट 9 o'clock, तो नाइन ओवर। और आप देख सकते हैं का यूज़ जैसे पार्क, पार्क है कॉर्नर में, द पार्क लीक्ड, डीएक, ये फिक्स होता है, डीएक एट द कॉर्नर, ठीक है, पार्क इज डीएक। और अगर आपको इन द कॉर्नर लिखना है तो ये हो जाएगा आपका इन डेयर एक, ठीक है। इन के साथ होगा तो इन डेयर एक होगा, के साथ डीएक होगा, इस चीज का ध्यान रखना आप। पार्क जो है वो कॉर्नर में है, इन द कॉर्नर इन डेयर एक, एट द कॉर्नर है तो डीएक। तो इस तरह से का यूज हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डुर्श, डुर्श मतलब थ्रू, किसी के आर पार जाना, थ्रू होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया अपने वीडियोस में, डुर्श मीन्स थ्रू होता है। जैसे मैं पार्क के थ्रू जा रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू द पार्क, तो इसके हम आकुसेटिव है तो डेन पार्क आएगा और डुर्श, ठीक है। इसके डुर्श डेन पार्क, मैं पार्क के आर पार, आई एम गोइंग थ्रू द पार्क, ठीक है। ये डुर्श का यूज़ इसमें कर सकते हो आप। और डुर्श का यूज़ आप कर सकते हो जैसे, और भी कई यूज़ है, जैसे आई एम सीइंग थ्रू द विंडो, मैं विंडो से आर पार देख सकता हूँ, तो डुर्श। तो थर्ड पर्सन देते हैं टीना, जीट, और फेंस्टर दास, तो दास ही रहता है विंडो, ठीक है, आकुसेटिव में भी दास रहता है, तो डुर्श दास फेंस्टर, टीना जीट डुर्श दास फेंस्टर, टीना सी थ्रू द विंडो, ठीक है, विंडो के आर पार्टी ना देख सकती है, इसलिए डुर्श दास फेंस्टर। तो ये डुर्श का यूज़ है,
इस तरह से हम डोज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आम। अब आम कहीं पे आन डी भी हो जाता है, आन डेयर भी हो जाता है, ठीक है, और आन डेम जो कि आम होता है। ठीक है, ये आन को हम इस तरह से अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। आप कंप्यूटर पे खेल रहे हो या वर्क कर रहे हो तो इस स्पील यहाँ पे इस सिचुएशन में फिक्स है। ठीक है, आप कंप्यूटर पे हो तो क्या बोलते हैं, ऐट द कंप्यूटर, आई एम ऐट द कंप्यूटर, तो आम इस स्पील आम कंप्यूटर, आम ही आएगा यहाँ पे। अगर आप वर्क कर रहे हो तो भी आप बोलोगे इश आरबाइटे, तो आरबाइटन के साथ जो वर्ब है आरबाइटन, इसके साथ भी आप ठीक है आम लिखोगे, इश आरबाइटे आम कंप्यूटर के साथ होना चाहिए। ठीक है, आई एम वर्किंग एट द कंप्यूटर, तो ये आम का हो गया। आई एम स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन, तो आम बानोफ, ये भी फिक्स है, रेलवे स्टेशन आएगा तो आपको बानहोफ ही लिखना है। आई एम एट द बानोफ, इट्स बीन आम बानोफ, इस स्टे आई एम स्टैंडिंग एट बानोफ, इस स्टे या फिर इश बिन और फिर आम बानोफ, इस तरह से आम का यूज़ कर सकते हो आप, आम बानोफ। और अगर आप जैसे स्टॉप बस स्टॉप पे हो तो इश बिन आन डेयर, आन डेयर हाल्ट स्टेल, ठीक है, हाल्ट स्टेल मतलब स्टॉपेज, हाल्ट स्टेल, ठीक है, आप स्टॉपेज पे हो तो आन डेयर आएगा, इस बिन आन डेयर हाल्ट स्टेल। आप यूनिवर्सिटी में हो या स्टडीज़ कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, इस स्टूडियर, ये आन के यूज़ बता रहा हूँ मैं, सारे फिक्स हैं ये। ठीक है, आन डेयर यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में ऊनी भी लिखते हैं, तो ये आन, ये फिक्स है आन के यूज़। ठीक है, आन डेयर ऊनी, आम बानो, आन डेयर हाल्ट स्टेल, तो ये आन के यूज़ है। आम कंप्यूटर स्पीलन, आम कंप्यूटर आरबाइटन, जैसे आपने पढ़ा था अपने प्रीवियस क्लासेस में, इसके आंस मेयर, आई एम गोइंग एट सी, इसके अब इसमें मेयर, सी के पास जा रहे तो आंस, आन प्लस दास, ये भी होता है आंस मेयर, फिक्स्ड है ये भी, इसके आंस मेयर। ठीक है, तो इसमें हम आन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ़ोन, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, फ़ोन का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, कोई भी आप एनक्लोज बिल्डिंग है जिसकी फोर वॉल्स है, उससे अगर आप बाहर आ रहे हो, ध्यान रखना, तो फ़ोन का यूज़ हम करते हैं, ये बेसिक सेंस बता रहा हूँ। जैसे ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वर्क, तो ए कॉम फोन डेयर आर बाइट, ठीक है, काम से वापस आ रहा है मतलब ऑफिस जाता है तो ऑफिस, और फोन डेम ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो से आ रहे हो आप, फोन डेयर आर बाइट, फोन डेयर ब्यूरो। लाइब्रेरी से कोई बाहर आ रहा है तो इज कमिंग आउट ऑफ लाइब्रेरी, फोन डेयर बिब्लियोथेक। ठीक है, आप लाइब्रेरी से बाहर आ रहे हो, फोन डेयर बिब्लियोथेक, तो इनक्लोज्ड एरिया से। सुपर मार्केट से बाहर आ रहे तो फॉर्म भी, फोन प्लस डेम, ठीक है, फॉर्म होता है सुपर मार्केट, तो ये फ़ोन का यूज़ बता रहा हूँ मैं। आप वहाँ से बिल्डिंग से इनक्लोज एरिया से बाहर आ रहे हैं, स्विमिंग पूल से बाहर आ रहे तो फॉर्म स्विम बाट, एयर कॉम्ड फॉर्म स्विम बाट, कमिंग फ्रॉम स्विमिंग पूल। तो इस पे काफ़ी वेरिएशंस है, आप बेसिकली इतना याद रखिए बस। ठीक है, जैसे डेढ़ सुख, अगर दो ब्लैंक आते हैं तो फेट फोन बर्लिन नाक, कोई दो सिटीज, फोन बर्लिन नाक स्यूरिश, ठीक है, फोन दिल्ली नाक मुंबई, जो ट्रेन है वो जा रही है फ्रॉम कहाँ से और नाक कहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा डायरेक्शन डेस्टिनेशन, फोन बर्लिन नाक स्यूरिश, फोन बर्लिन नाक म्यूनिक, कहते फोन और नाक, फ्रॉम टू, ये इसका दूसरा यूज होता है। ठीक है, फोन, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, डी किंडर
कॉमन, स्कूल एक इनक्लोज्ड एरिया है, ठीक है। तो ये फोन डाटी वर्ब आपको ऑलरेडी पता है, शुले डी होता है, तो डी का डेयर, फोन डेयर शुले, तो ये सब फोन होगा। यहाँ पे आउस नहीं लगाना बिल्कुल भी, गलत हो जाएगा आउस। तो फ़ोन के मैं यूज़ बता रहा हूँ, जो कि कई बार मिक्स हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स की फ़ोन यूज़ करना है या आउस। तो इन सभी सिचुएशंस में आपको फ़ोन यूज़ करना है। मैंने एग्जांपल्स आपको इसीलिए दिए काफ़ी, ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आउस। आउस मतलब फ्रॉम होता है ये। अब देखिए, जैसे हम बेसिक बोलते हैं, वो है कॉमन जी, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो आई एम फ्रॉम डॉयचलैंड, आई एम फ्रॉम बर्लिन। तो इस कॉम में आउस, यहाँ पे आप अपना प्लेस लिख सकते हो, कोई भी जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हो, तो आउस हो गया। तो ये एक यूज़ है आउस का, इस कॉम में आउस। जैसे कि इज़ फ्रॉम जापान, एरिस्ट आउस जापान, तो यहाँ पे आउस का यूज़ हो रहा है। सॉरी। और जैसे आपको देखना है आउस, दूसरा आउस का यूज़ कहते हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द बॉटल। तो स्ट्रिंग के वासर, तो यहाँ पे आउस है, आउस डेयर फ्लाश। तो यहाँ पे फ्लाश आपका मोड है, ठीक है, जिससे आप, जिसके थ्रू आप वाटर पी, आउस डेयर फ्लाश। या जैसे पानी पी रहे हो आप ग्लास से, तो आउस डेम ग्लास, तो यहाँ पे आउस का यूज़ होगा। ठीक, आप पानी ग्लास से पी रहे हो, बॉटल से पी रहे हो, ठीक है, तो ये आउस होता है। स्ट्रिंग के वासर, स्ट्रिंग के जाफ्ट, ठीक है, आउस डेम ग्लास, आउस डेम फ्लाश, इस तरह से आप लिख सकते हो। और दूसरा आपका, ठीक है, आउस का जैसे मेड ऑफ, जैसे आपको बोलना है टेबल योर वुड की है, टेबल इज मेड ऑफ वुड। डेटिश टेस्ट, वुड को बोलते होल्स, हाउस होल्स, ठीक है, मेड ऑफ, ये हाउस का नेक्स्ट यूज है। और आप बोल सकते, जैसे आपकी रिंग है, डेयर रिंग, जब रिंग पहनते फिंगर में, ईस्ट गोल्ड की है, तो यहाँ भी हाउस मेड ऑफ, क्योंकि जहाँ भी मेड ऑफ की सेंस होती है वहाँ पे हाउस हम यूज़ कर सकते हैं। डेयर रिंग ईस्ट हाउस गोल्ड, ठीक है। शूज़ आपके लेदर के हैं, तो डी शू जिंड प्लूरल, क्योंकि शूज पेयर होता है, लेदर को लेडार, ठीक है, हाउस। द शूज़ आर मेड ऑफ लेदर, लेडार। तो ये आपका हाउस का यूज़ मैंने बताया आपको। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। अब सुम, सु, सुर, सुम, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबका मतलब होता है टू, ठीक है, आपका डेस्टिनेशन शो करता है। सु, सुर मतलब सु प्लस डेयर, सुम मतलब सु प्लस डेम। तो जहाँ भी, जिसका भी आर्टिकल डेयर और दास होता है, पहली चीज़ याद रख लो, वहाँ पे आएगा सुम। डेयर और दास अगर किसी का आर्टिकल है तो वहाँ सुम आएगा, अगर डी किसी का आर्टिकल है तो वहाँ आएगा सु द टू। अब जैसे स्कूल जा रहे हैं, तो इश गए, स्कूल का आर्टिकल आपको पता है डी होता है, तो सुर शूल। आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, तो सुपरमार्केट का आपको पता है डेयर होता है, तो सुपर मार्केट, ठीक है। आप बानोव जा रहे हैं, तो बानोव आपको पता है डेयर है, तो सुम बानो, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेल डॉक्टर आस्ट, तो सुम आस्ट। फीमेल है, तो सुर, आपको पता है फीमेल एस्टिन होता है, एस्टिन, इस तरह से आप सुम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको बोलना है मेरे को, आई गो टिल क्रॉसिंग, मैं क्रॉसिंग तक ही जाना है, टिल, तो इसके इसमें देखिए आप दो ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है, क्रॉसिंग को लिखते क्रॉसिंग, और इसका आर्टिकल है डी, तो बिस सुर,
ठीक है, टिल बिस सुर, ये दो ब्लैंक्स आएंगे ध्यान रखना जहाँ पे टिल की बात आती है। आई गो टिल क्रॉसिंग, बिस सुर क्रॉसिंग, रेड लाइट तक जाना है तो बिस सुर आम्पल, आम्पल मीन्स आपकी रेड लाइट और ट्रैफिक लाइट, डी होता है तो बिस सुर, ठीक है बिस सुर लगाना है आपको। टिल की जहाँ बात आती है, बिस सुर मतलब टिल आप कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई होता है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, डेडलाइन है आपकी जैसे 31 मार्च, तो बिस वहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा बिस सुम जो भी मंथ है, ऐसे ये डेडलाइन के लिए भी यूज़ होता है, बिस सुम मतलब टिल 31 मार्च, ठीक है। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस मिलेंगे, तो टिल होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का है, नेक्स्ट प्रपोजिशन जो मैं आपको बताऊँगा, नाक। नाक का आपको मीनिंग पता है कि कोई भी प्लेस है तो प्लेस से पहले आपको नाक लिखना है, इशफारे, बहुत बेसिक है ये तो सबको आई होप पता होगा, इशफारे नाक गोवा, ठीक है गोवा सिटी है तो नाक, नाक गोवा, ठीक है शिमला बर्लिन एट्सेट्रा कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो प्लेस कोई भी सिटी है उससे पहले नाक यूज़ करते हैं। और नाक का यूज़ क्या होता है, राइट और लेफ्ट जैसे गो प्लीज गेन जीबिटे, जब डायरेक्शन आप किसी को बताते हैं लिंक्स लेफ्ट साइड में जाना है या राइट में जाना है तो रेस्ट, ठीक है डायरेक्शन राइट साइड, तो इसमें भी नाक आता है, टूवर्ड्स गो टूवर्ड्स नाक लिंक्स नाक रेस्ट, ठीक है राइट साइड में जाओ लेफ्ट साइड में जाओ। एक और आप भी गन मीन्स टू टेक टर्न, तो इसमें भी नाक बीगन सी नाक लिंक्स नाक रेस्ट, ठीक है नाक रेस्ट आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में, अगर आपको टर्न लेना है तो नाक लिंक्स नाक रेस्ट आप बीगन एक वर्ब है, तो इस तरह से आप नाक को भी यूज़ कर सकते हैं। गेगन यूबर एक डाटी वर्ब होती है, गेगन यूबर मीन्स ऑपोजिट डाटी वर्ब, जैसे आपका घर पार्क के ऑपोजिट है तो माइनम हाउस डाटी हो जाता है, माइनम हाउस देखिए बड़ा माइनम हाउस गेगन यूबर, डेयर पार्क, ठीक है इस तरह से सेंटेंस बनता है ये, ठीक है। और दूसरा तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेयर पार्क ईस्ट माइनम हाउस, यहाँ लास्ट में लिखेंगे गेगन यूबर, तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैं प्रीवियस पेज दिखाता हूँ, गेगन यूबर माइनम हाउस, गेगन यूबर का यूज है तो माइनम हाउस गेगन यूबर स्टेट पार्क, मतलब पार्क के ऑपोजिट में मेरा घर है। और दूसरा तरीका डेयर पार्क ईस्ट माइनम हाउस गेगन यूबर, पार्क जो मेरे घर के ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से गेगन यूबर लास्ट में भी आता है और आप बीच में भी लिख सकते हैं, तो गेगन यूबर का यूज है डार्टिव प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी प्रेपोजिशन आपके साथ डिस्कस किए, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, अदरवाइज़ यू फील बोर। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा एंड तक देखिए, जो ब्लर है वो शुरू में होता है ब्लर, उसके बाद धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड आई विल शू ऑल गुड लक बेस्ट ग्रूस फॉर द एग्ज़ाम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, so keep watching and keep sharing, see you soon, bye bye, cheers.